नमस्कार, आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम घर पर ही माँ नर्मदा की पूजा करेंगे। जब हम नदी के तट पर जाते हैं तब भी हम सूर्य भगवान को सर्वप्रथम अर्घ देते हैं, इसीलिए हम घर पर भी सूर्य भगवान की सर्वप्रथम पूजा करेंगे, इसके बाद माँ नर्मदा का आवाहन करेंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने वाले जल में हमें थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा गुड़, तिल और पुष्प चढ़ाना है। उस जल से हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। नर्मदा नदी का अपने आप में ही बहुत महत्व है। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनके घर के नजदीक में ही माँ नर्मदा बहती हैं। वह आसानी से जाकर नर्मदा तट पर पूजन कर सकते हैं, परंतु अगर आप नर्मदा नदी से थोड़ा दूर रहते हैं या आप माँ के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं या पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर पे किस प्रकार से माँ नर्मदा का आवाहन कर पूजा कर सकते हैं, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। आपके पास माँ नर्मदा की कोई मूर्ति हो या तस्वीर हो तो उन्हें विराजमान करें, साथ ही नर्मदा जल हो तो उन्हें भी साथ में विराजमान करें। इसके बाद हमने एक पात्र ले लिया है। अब हम थोड़े से अक्षत लेकर माँ नर्मदा का आवाहन करेंगे। अब हम इस पात्र में नर्मदा जल चढ़ाएंगे। आपके पास नर्मदा जल, गंगा जल या किसी भी नदी का पवित्र जल हो तो आप वो चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास मात्रा कम हो तो पहले नर्मदा जल या गंगा जल चढ़ाएं, उसके बाद अपने घर का पवित्र जल चढ़ाएं और उससे पूरे पात्र को भर दें। हमने इस पात्र में माँ नर्मदा का आवाहन किया है, इसलिए हम अब माँ को दूध चढ़ाएंगे। अब हम शुद्ध जल चढ़ाएंगे। नर्मदा जयंती माघ के महीने में पड़ती है और माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए हम माता को तिल चढ़ाएंगे। अब हम माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। अब हमने जो माँ नर्मदा की तस्वीर को विराजमान किया है उनकी पूजा करेंगे। माँ नर्मदा के पुण्य प्रताप से हर कोई परिचित है। वैसे तो आमतौर पर अनेक नदियों से कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है, परंतु माँ नर्मदा इन सब में से भिन्न है। यह एक मात्र ऐसी नदी है जिसका पुराण है और यह एक मात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही बड़े बड़े ऋषि मुनि नर्मदा के तटों पर गुप्त तप करते हैं। मान्यता है कि एक बार क्रोध में आकर इन्होंने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली थी और इसके साथ ही चिरकाल तक अकेले बहने का निर्णय लिया। ये अन्य नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती हैं। इनके इस अखंड निर्णय के कारण इन्हें चिरकुंवारी कहा जाता है। अब हम माता को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। अगर आपके पास चुनरी हो तो वो भी माता को पहना सकते हैं। माता को सफेद भोग अर्पित किया जाता है, इसलिए हम सफेद भोग के लिए शर्करा का उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता ही है और तिल से बनी हुई रेवड़ियां सफेद भी होती हैं, इसलिए इसका भी भोग माता को लगाया जा सकता है। चलिए अब हम माँ नर्मदा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जानते हैं। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि इनका जन्म एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुआ था। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव के पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे
मां नर्मदा प्रकट हो गई। इसी वजह से इन्हें शिव सुता भी कहा जाता है। चिरकुआरी मां नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि चिरकाल तक मां नर्मदा को संसार में रहने का वरदान है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने मां रेवा को वरदान दिया था कि प्रलय काल में भी तुम्हारा अंत नहीं होगा, अपने निर्मल जल से तुम युगों युगों तक इस समस्त संसार का कल्याण करोगी। अमरकंटक के अनूपपुर से मां नर्मदा का उद्गम स्थल माना जाता है। इसी जगह पर मां रेवा का विवाह मंडप आज भी देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार अपने प्रेमी सोनभद्र से क्रोधित होकर इन्होंने उल्टा बहने का निर्णय लिया और गुस्से में अपनी दिशा परिवर्तित कर ली। सोनभद्र और सखी जोहिला ने बाद में इनसे क्षमा भी मांगी, किंतु तब तक नर्मदा दूर तक बह चुकी थी। अपने सखी के विश्वास को खंडित करने की वजह से ही जोहिला को पूजनीय नदियों में स्थान नहीं दिया गया है। सोन नदी या नद सोनभद्र का उद्गम स्थल भी अमर। जिस प्रकार गंगा में स्नान का पुण्य है, उसी प्रकार नर्मदा के दर्शन मात्र से मनुष्यों के कष्टों का अंत हो जाता है। अन्य नदियों के विपरीत नर्मदा से निकलते हुए पत्थरों को शिव जी का स्वरूप माना जाता है। ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात नर्मदा के पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण देश में ही नहीं विदेशों में भी मां नर्मदा से निकले हुए पत्थरों को शिवलिंग के रूप में सर्वाधिक मान्यता है। और ऐसी मान्यता भी है कि गंगा स्वयं प्रत्येक साल नर्मदा से भेंट एवं स्नान करने आती हैं। मां नर्मदा को मां गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इसी वजह से गंगा हर साल स्वयं को पवित्र करने नर्मदा के पास पहुंचती हैं। यह दिन गंगा दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। धन्यवाद। यही थी नर्मदा जयंती की कथा व पूजा विधि। ऐसे ही अन्य त्योहारों की कथा व पूजा विधि जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।